नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी बेटर एंड डू बेस्ट में। दोस्तों, काफ़ी सारे बच्चे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे हमारे भाई बहन बार बार यह सवाल कर रहे हैं। इस सवाल ने लगभग सभी को परेशान करके रख दिया है, सभी को कंफ्यूज करके रखा हुआ है कि क्या फिजिकल के नंबर फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि जो आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी हुई है उसमें कुछ भी क्लियरली नहीं कहा गया है, उसमें बहुत ज़्यादा सस्पेंस हो गए हैं। तो चलिए, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन के बटन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड किए जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि यह पूरा मैटर क्या है। इसके लिए हम ले चलते हैं कुछ, हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया है जो आपका नोटिफिकेशन है, उसमें हम चलिए आपको कुछ फैक्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि वास्तव में क्या फाइनल मेरिट में ये नंबर जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। सबसे पहले एक बात दोस्तों, जो सबसे पहले दी गई है यहाँ पे देख रहे हैं, शारीरिक पात्रता परीक्षा व्यायाम प्रशिक्षक के लिए, यह यहाँ पे दी गई है अर्हकारी प्रकृति। अर्हकारी प्रकृति मतलब क्वालिफाइंग नेचर, चलिए ठीक है क्वालिफाइंग नेचर है हम मान लेते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है, इसमें देखिए अलग अलग के लिए अलग अलग अंक दिए गए हैं, 25 अंक, तो 75 अंक में से आपको टोटल 50 अंक हासिल करना है। तो ये तो व्यायाम प्रशिक्षक का हो गया। चलिए हम आपको दिखाते हैं क्षेत्रीय युवा, देखिए अर्हकारी प्रकृति आप इसमें भी देख लीजिए, जहाँ से लोगों को समस्या हो रही, अर्हकारी प्रकृति मतलब क्वालिफाइंग नेचर, पहली तो यह क्वालिफाइंग नेचर दिया है और न्यूनतम अंक भी दिया है कि अगर आप इतने अंक पा लेते हैं तो आप क्वालिफाइड माने जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे, इसमें भी अर्हकारी अंक दिया गया है कि मतलब क्वालिफाइंग नेचर का है, अर्हकारी प्रकृति के है यह पात्रता परीक्षा। चलिए, अगर आयोग ने कह दिया कि यह अर्हकारी प्रकृति की है, ठीक है अर्हकारी प्रकृति है, तो आपको टोटल मार्क्स में से यहाँ पे आप जो अलग अलग मार्क्स दिए हैं, टोटल मार्क्स में से आपको बताना चाहिए कि 10 मार्क्स आप हासिल कर लेते हैं तो आपको क्वालिफाइड माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, 200 मीटर की दौड़ के लिए 30 सेकंड में पूरा करेंगे 10 मार्क्स, 28 सेकंड में पूरा करेंगे 15 मार्क्स, 26 सेकंड में पूरा करेंगे तो 20 मार्क्स, और अगर 24 सेकंड में पूरा कर लेते हैं तो 25 मार्क्स। देखिए यहाँ पे 24 सेकंड वाली जो बात आ रही है, आपको 25 मार्क्स मिलेंगे और 30 सेकंड में पूरा करते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, मतलब कि 30 सेकंड में जो पूरा कर लेगा वह पास माना जाएगा, उसको 10 नंबर दे दिया जाएगा। तो लेकिन यह 25 वाला मामला नहीं समझ में आ रहा है कि आपने 25 नंबर वाला यहाँ पे क्यों रखा है, पहले तो अर्हकारी प्रकृति रखे हैं आप, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि आपको उसको 25 नंबर दिया जाएगा। चलिए, और यहाँ पे कन्फ्यूजन हम आपको बताते हैं, ले चलते हैं। देखिए इसी तरह सब में दिया गया है, चाहे वह दौड़ हो, चाहे वह लंबी कूद हो या ऊंची कूद हो, सब में देखिए मीटर दिया गया है, सेकेंड दिया गया है और उसके मार्क्स दिए गए हैं और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिया गया है। इसी तरह आप देख रहे हैं महिलाओं के लिए भी, रस्सी कूद, गोला फेंक, सब कुछ दिया गया है, कितनी बार में कितने मार्क्स मिलेंगे। देखिए 10, ये 10 नंबर वाला तो समझ में आ रहा है, ये जो 10 मार्क्स है ये तो समझ में आ रहा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है क्योंकि अर्हकारी प्रकृति है, लेकिन ये 25 मार्क्स वाला समझ में नहीं आ रहा है, 20 मार्क्स वाला समझ में नहीं आ रहा, अर्हकारी है तो आप ज़्यादा कम समय में ज़्यादा मार्क्स क्यों दे रहे हैं। चलिए ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक आप समझ लिए, अब आगे चलते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, जो व्यायाम प्रशिक्षक व क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी एवं प्रादेशिक विकास अधिकारी हेतु जो विहित चयन का आधार होगा, देखिए जो सिलेक्शन का यहाँ पे बेस होगा, जिस बेस पे सिलेक्शन होगा, तो यहाँ पे देखिए दो दिया है, क में दिया है लिखित परीक्षा, ख में दिया है शारीरिक पात्रता परीक्षा। शारीरिक पात्रता परीक्षा को क्वालिफाइंग नेचर बना दिया है, क्वालिफाइंग नेचर बना के 10 मार्क्स मिनिमम करके और टोटल 25 मार्क्स का कर दिया है समय के साथ। तो अगर क्वालिफाइंग नेचर है तो ये 25 मार्क्स किस लिए, 20 मार्क्स किस लिए, 15 मार्क्स किस लिए, सवाल तो ये उठता है। अगर यह क्वालिफाइंग नेचर है तो इसके मार्क्स का क्या मतलब, ये 20 मार्क्स, 15 मार्क्स, 25 मार्क्स का क्या मतलब, आपको सिर्फ 10 ही मार्क्स देना चाहिए था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर दे दिया है कि दोनों शर्तों के आधार पर होगा,
एक तो क्वालिफाइंग नेचर दे रहा है, दूसरी जगह अलग अलग नंबर अलग अलग आधार पे दे रहा है, कम समय के लिए, कम मीटर के लिए, कम बार रस्सी कूदने के लिए, जितने जल्दी आप कूदेंगे तो उतना ज़्यादा मार्क्स दे रहा है, और मिनिमम मार्क्स 10 नंबर दे के क्वालिफाइंग मार्क्स बता रहा है। और यहाँ पे जो चयन का आधार बता रहा है वो भी बता रहा है कि शारीरिक परीक्षा और लिखित परीक्षा के आधार पर आपका चयन होगा। अगर यह क्वालिफाइंग नेचर है तो इसके मार्क्स का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर मार्क्स का कोई मतलब नहीं रह जाता तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन दी गई है उसमें अलग अलग मार्क्स अलग अलग समय के लिए अलग अलग मीटर के लिए क्यों दिए गए हैं? तो इसी वजह से लोगों के मन में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही। चलिए यहाँ पे देखिए एक बात और कही गई है जो आपके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर रही है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, देखिए आयोग अभ्यर्थियों की वरीयता की बात की जा रही है, ठीक है। वरीयता मतलब आरक्षण की बात की जा रही है। यहाँ पे आयोग अभ्यर्थियों की प्रवीणता क्रम में जैसा कि अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के कुल योग प्रकट हो शैक्षिक योग्यता देखते हैं तो सूची तैयार करेगा, ठीक है। जो सूची तैयार करेगा वो किसके आधार पे करेगा? लिखित परीक्षा और शैक्षिक योग्यता के आधार पे। तो अगर सूची लिखित परीक्षा के ही आधार पे होगी तो ये फिजिकल के मार्क्स जाएंगे कहाँ? तो 10 मार्क्स देना चाहिए। ये 25, 10, 15 का मामला समझ में नहीं आ रहा है। अगर 15, 10, 25 का मामला है तो अहंकारी प्रकृति समझ में नहीं आ रही है। तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है दोस्तों। यहाँ पे कुछ भी साफ साफ नहीं कहा गया है। जैसे ही इस बारे में आयोग की तरफ से कोई भी जानकारी आती है तो हम इसके बारे में आपको सूचना जरूर देंगे। लेकिन देखिए, एक तो अहंकारी प्रकृति, दूसरा अलग अलग मार्क्स दिए गए हैं, और तीसरी बात यहाँ पर दी गई है कि दोनों आधार पर आपका चयन होगा। यहाँ पे अहंकारी प्रकृति नहीं दिया गया है, मतलब यहाँ पे आपको पास होना है और यहाँ से आपकी सूची बनेगी। तो ये जो 15, 20, 25 का मामला है इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता दोस्तों कि इसके मार्क्स ऐड होंगे कि नहीं ऐड होंगे। लेकिन जहाँ पे अहंकारी प्रकृति होती है वहाँ पे मार्क्स ऐड होते हैं कि नहीं ऐड होते हैं। आपको आपके पास अगर किसी और एग्ज़ाम की ऐसी नोटिफिकेशन है जिसमें ऐसा दिया गया हो अलग अलग मार्क्स और वह फाइनल में ऐड हुए होंगे तो हो सकता है कि इसमें भी ऐड हो जाएँ। अगर ऐसी कोई सूचना आपके पास है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन जैसे ही आयोग की तरफ से इसके बारे में कोई भी नोटिफिकेशन जारी होती है फिजिकल टेस्ट के लिए, हम आपको सूचित कर देंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।